स्वागत है। मैं हूँ तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ का नवा 4 दिवसीय अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन 26 नवंबर से 29 नवंबर तक हैदराबाद में होगा। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से 3000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन में झारखंड राज्य के 100 प्रतिनिधि और पश्चिमी सिंहभूम से 11 प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन का खुला अधिवेशन 26 नवंबर को हैदराबाद के एग्जीबिशन ग्राउंड में होगा, जिसमें पूर्व जस्टिस बी चंद्र कुमार, पूर्व आईएएस करण गोपीनाथन शामिल होंगे। 27, 28 और 29 नवंबर को प्रोफेसर इरफान हबीब, प्रोफेसर राम पुनियानी, नालसन विश्वविद्यालय के कुलपति फैजान मुस्तफा, बिजनेस वर्ल्ड के पूर्व संपादक टोनी जेसोफ के अलावे कई शिवादित सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 पर चर्चा होगी, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में होने वाले बदलाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावे सम्मेलन में शिक्षा हो रहे निजीकरण, व्यापारीकरण, सांप्रदायिकरण और केंद्रीकरण पर रोक लगाने, हर स्तर पर फीस वृद्धि को वापस लेने, 8वीं तक पास फेल प्रणाली को पुनः बदलाव करने की मांग को लेकर किया जा रहा है। किरीबुरु टाउनशिप और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। कलाधाम जमशेदपुर के कलाकार नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी लोगों का मतदान करना कितना जरूरी है। किरीबुरु और मेघाहातुबुरु के बाजार और चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटक करके कलाकारों ने समझाने का प्रयास किया कि 18 साल के ऊपर सभी लोगों को मतदान करना चाहिए, तभी एक सशक्त सरकार बनेगी जो जनता का विकास करेगी। कलाधाम जमशेदपुर के प्रोजेक्ट मैनेजर देवेन कुमार बताते हैं कि 100% मतदान के लिए चुनाव आयोग की ओर से देश की जनता को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदान क्यों जरूरी है और मतदान करने के लिए किन कागजात की जरूरत पड़ती है। साथ ही स्वच्छ मतदान के लिए सी विजिल ऐप के बारे में भी लोगों को बता रहे हैं। कौन अभी जो है तैयारी कर रहा है वोट देने का? हाँ, और उन लोगों की कैसी कैसी सोच है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हम तो पलटी हो रहे हैं। चलो तो चले उत्तर। हाँ, तो कभी देंगे। हाँ, ठीक है। मोबाइल का सिम खुल गया, पूरा नेटवर्क खुला हुआ है। लोकतंत्र का पर्व। अरे मेरे देश में सी विजिल एक ऐसा ऐप है जो चुनाव आयोग के द्वारा लोगों को दिया गया है कि अगर कोई भी नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जो आचार संहिता का उल्लंघन करता है या किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देता है, डराता धमकाता है या दबाव बनाता है या हथियार चमकाता है या किसी भी पेड न्यूज़ वगैरह चलाता है, इसकी जानकारी किसी भी नागरिक को या मतदाता को मिले तो वो इसका जो शिकायत चुनाव आयोग को कर सकता है, जिसका 100 मिनट के अंदर समाधान होगा। और शिकायतकर्ता की जानकारी भी किसी को नहीं दी जाएगी जब तक शिकायतकर्ता ना चाहे। यानी ये वेबसाइट है, वेबसाइट है नहीं, ये एक ऐप है जो कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल जिसके पास है वो उसे डाउनलोड कर सकता है। और डाउनलोड करने के बाद जिस किसी क्षेत्र में आपको वो वैसा कुछ दिखाई देता है कि डराया धमकाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है या कुछ बांटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हथियार दिखाया जा रहा है, आप उसकी फोटो या तस्वीर ले करें। लेकिन इसके लिए ही कि अपने फ़ोन का GPS ऑन करें और वो आप फोटो या वीडियो अपलोड करें। ये 100 मिनट के अंदर में विभाग उस पर कार्रवाई करेगा और जो व्यक्ति ये शिकायत करता है उसको लगातार उसकी अपडेट उसकी मिलती रहेगी। रोमन कैथोलिक ईसाइयों ने ख्रिस्त राजा पर्व काफी धूमधाम से मनाया। इस मौके पर चैबासा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में मसीही पवित्र ग्रंथ बाइबल को पालकी में रखकर भक्ति में लीन होकर सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। शोभा यात्रा की अगुवाई फादर जुनास अपने हाथों में पवित्र ग्रंथ लिए कर रहे थे। शोभा यात्रा में बच्चे, बच्चियां और महिला पुरुष सभी सुंदर परिधानों से सुसज्जित होकर अपने हाथों में मोमबत्ती लिए यीशु के वचन सुना रहे थे। शहर में शोभा यात्रा निकालने के बाद रोमन कैथोलिक चर्च में पहुंचकर वहां पुरोहित हालेन बोद्रा ने यीशु मसीह के नाम पर पवित्र मीसा बलिदान चढ़ाया। मीसा बलिदान के दौरान फादर अनिल डांग ने ख्रिस्त राजा की महत्ता को बताते हुए उपदेश दिया। उन्होंने अपने उपदेश में कहा कि ईसाई समुदाय
यीशु मसीह को अपने राजा की आदर करते हैं। इस परंपरा को ईसाई परिवार जीवन भर कायम रखें, तभी हम यीशु के वचनों पर अड़िग रह मानव कल्याण के बारे में सोच सकते हैं। मीसा बलिदानी प्रार्थना के दौरान पल्ली कोयर दल के सचिव कुमार बालमुचू की अगुवाई में भक्ति गीत सुनाया गया, जिसमें रॉबिन बालमुचू, आमतुस तोपनो, रोयलिन तोपनो, पुष्पा तोपनो, पोलिना तोपो, आनंदिनी बादुला, जिम्स सोए, प्रहलाद बालमुचू ने सहयोग किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के युवा मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए यूथ कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा गांधी मैदान में किया गया। इस कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में युवाओं सहित सैकड़ों शहरवासी शामिल हुए। यूथ कॉन्क्लेव में जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने खुली परिचर्चा के माध्यम से चुनाव के विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि जिला स्तर पर गठित विभिन्न कोषांग के माध्यम से निर्वाचन के लिए कार्य किए जाते हैं। अत्यंत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी मतदान कर्मी प्रशिक्षक का कार्य भी अत्यंत सराहनीय रहता है। चुनाव एक ऐसा विशाल यज्ञ है जिसमें हर एक की आहुति का महत्व है। इस यज्ञ को सफल बनाने में पुलिस और प्रशासन के द्वारा व्यापक इंतजाम किए जाते हैं, जिसमें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न हो। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माथा ने कहा कि निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पुलिस का व्यापक इंतजाम किया गया है, ताकि मतदाता बिना भय के मतदान कर सके। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पुलिस अधीक्षक जिले के प्रत्येक नागरिक का अंगरक्षक है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इस मौके पर स्वीप कोषांग द्वारा निर्मित मतदाता जागरूकता गीत, चैवासा का अरमान, शत प्रतिशत का मतदान जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लोकार्पण किया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।